Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear pre Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. In today's video, we are going to do the most important questions of B.Sc. 1st year, 2nd semester Physics, Paper 1st. Properties of Matter, Kinetic Theory and Relativity. फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्ज़ाम्स ऑफ एम डी यू रोहतक आई जी यू मीरपुर सी बी एल यू भिवानी के यू के जीजे यू सी डी एल यू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लो तो फिजिक्स का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है इसमें तीन सेक्शन में पेपर आता है तीन सेक्शन में से एक सेक्शन में दो क्वेश्चन आते हैं और बाकी दो सेक्शन में तीन तीन क्वेश्चन होते हैं और उन तीनों सेक्शन में से टोटल फाइव क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से कंपलसरी होता है और बाकी के जो दो क्वेश्चन हो गए वो किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। तो सेक्शन वन में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबसे पहला है वट डू यू मीन बाय बैंडिंग मोमेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फोर इट इन रेक्टेंगुलर बार्प एट वन एंड 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 लोडेड एट द अदर तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डेरिवेशन आएगी उसकी कंडीशन सेम भी हो सकती है और चेंज भी कर सकते हैं जैसे की यहाँ पे एक एंड पे उसको लोड किया गया है और एक एंड क्या है फ्री है ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दोनों एंड को फ्री करके मिडल में से लोड कर सकते हैं तो इसमें कंडीशन चेंज भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है एक न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल तीनों सेक्शन में आएगा एक एक भी आ सकते हैं और दो दो भी आ सकती है तो न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छे से कर लेना क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो वो जरूरी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिफाइन यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस का न्यूमेरिकल भी आएगा और यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन भी आएगा यंग्स मॉडुलस वाई बल्क मॉडुलस के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इटा पोइजन्स रेशियो सिग्मा एंड ओबेइन द रिलेशन बिटवीन दम ये क्वेश्चन हर साल आता है ये वाला भी सेम आएगा या फिर थोड़ा सा चेंज होके आएगा पर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इजी आएगा ठीक है और ये वाला भी बिल्कुल सेम आएगा ये भी हर साल आता है तो सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूं ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड वे में आते ही आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना अगर ऊपर के तीन क्वेश्चन भी कर लोगे तो पास होने के लिए इतना ही काफी है अगर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो जितना मैं बताऊंगी बिल्कुल सारा का सारा पढ़ लेना जिससे कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट दर्क डन इन टिकल वायर बाई एन एंगल फाई प्रूव दैट ए होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉगर देन ए सोलड सिलेंडर ऑफ सेम मस एंड मटीरियल ये क्वेश्चन भी कई बार आता है तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना इसके अलावा एक और क्वेश्चन है वट इज पॉइजन रेशियो एंड वट कैन बी इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज तो ये जो चार क्वेश्चन मैंने बताया है फर्स्ट यूनिट में यही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना फर्स्ट यूनिट में सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेना कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट में दो क्वेश्चन आते हैं कुछ में फर्स्ट यूनिट में तीन क्वेश्चन भी आते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रूल्स होते हैं और फिजिक्स का जो पेपर होता है कुछ में फोर्टी फाइव मार्क्स का होता है कुछ में सेवेंटी फाइव मार्क्स का होता है ठीक है तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो सब वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये चार या पांच नंबर में आता है अगर क्वेश्चन पेपर फोर्टी फाइव मार्क्स का हुआ तो ये क्वेश्चन चार या पांच मार्क्स का आएगा इसके अलावा जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी पांच नंबर में आता है फोर्थ क्वेश्चन है ये भी पांच नंबर में आता है और जो पॉइजन रेशियो है ये वाला क्वेश्चन तीन नंबर में आता है और जो न्यूमेरिकल है वो भी तीन नंबर में ही आता है ठीक है तो इस टाइप से मार्क्स की क्या होगी डिवीजन होगी तो फर्स्ट यूनिट के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्ट्रेट एजेंशियल फीचर्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ कैसे एंड हैंस प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल इज गिवन पी इक्वल्स टू रो सी स्क्वायर ये क्वेश्चन बार बार आता है या तो ऐसे आ जाएगा कि एजेंशियल फीचर्स बताओ काइनेटिक थ्योरी के या फिर बताएंगे कि काइनेटिक थ्योरी के एजम्स बताओ या काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताओ तो ये क्वेश्चन तीन नंबर में भी आ सकता है और छ नंबर में भी आ सकता है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लेना अगर सिर्फ फीचर्स पूछेंगे तो तीन नंबर में आएगा और उसके साथ साथ फॉर्मूला भी पूछेंगे जो ये यह यहाँ पे दिया गया है पी इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री सी स्क्वायर तो क्वेश्चन आएगा छह नंबर का तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर स्पीड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये क्वेश्चन भी कई बार आता है अगर ये दोनों क्वेश्चन भी कर लोगे तो सेकेंड यूनिट में भी आप पास होने लायक क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा इसके साथ साथ न्यूमेरिकल की भी तैयारी इसमें भी करके जाना क्योंकि न्यूमेरिकल तीनों यूनिट्स में आते, ही आते। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फट डो यू अंडरस्टैंड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर में या फिर इसके साथ साथ पूछ लेंगे डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एंटाइटोम यहाँ पे तीन नंबर का हो जाएगा क्या है डिफाइंड मीन फ्री पाथ ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एंड डेरिवेशन एंड डराइव एक्सप्रेशन फॉर इट ये क्वेश्चन दो या तीन नंबर में आता है कई बार आता है तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाना डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसटी कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम का थियोरी ऑफ गैसेज इसमें से एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है तीनों को साथ में नहीं पूछेंगे अलग अलग पूछ लेंगे मतलब तीनों में से जो मैंने बता रखी कोफिशियंट ऑफ डिफ्यूजन विस्कोस्टी एंड थर्मल कंडक्टिविटी तीनों में से एक को पूछा जाएगा और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे चार नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिराइव वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज ये क्वेश्चन तीन नंबर में आएगा डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ वंडरवर्ल्ड कॉन्स्टेंट ये क्वेश्चन भी यहाँ पे तीन या चार नंबर में आएगा ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं तो इनको सभी को अच्छे से करके जाना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अंडरस्टैंड बाय ब्राउनियन मोशन ये क्वेश्चन भी दो या तीन नंबर में आता है इसमें आपको इसके डेफिनेशन भी और अच्छे से अटेम्प्ट करके आना क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टेट मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वी पार्टिशन ऑफ एनर्जी शो दैट Cp बाई सी वी इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एन वेयर एन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और बिल्कुल सेम एज इट इज ही पूछा जाता है तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना तो सेकेंड यूनिट के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को अच्छे से ही कर लेना तो अगर सारे के सारे ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको कर लोगे तो सेकेंड यूनिट पूरी की पूरी अटेम्प्ट हो जाएगी और सिर्फ पास होने लायक करना है तो ऊपर के तीन चार क्वेश्चन कर लेना जिससे कि पास होने लायक भी आपका पेपर हो जाएगा तो सेकेंड यूनिट में ये जो नौ दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सेकेंड यूनिट में तीन क्वेश्चन आएंगे और तीन क्वेश्चन के लगभग तीन तीन पार्ट आते ही आते हैं हर एक क्वेश्चन में तो यहाँ से भी नौ दस क्वेश्चन जो मैंने बताया बिल्कुल यही आएंगी तो इसको पूरे के पूरे को अच्छे से पढ़ के जाना अब देखते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वट आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शो द एक्सेलरेशन इज इन वेरियंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बट वेलोसिटी इज वेरियंट ये क्वेश्चन भी हर साल आता है ठीक है और ये जो क्वेश्चन आता है ये चार या पांच नंबर में आता है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिड्यूस लॉरेंस स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ये क्वेश्चन भी कई बार आता है ये या ये दोनों में से एक तो पक्का आएगा ही आएगा पांच नंबर में आएगा तो अच्छे से पढ़ के जाना यहां से आपके पांच नंबर पक्के हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डेराइव द फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी इसके साथ साथ इसके सिग्निफिकेंस भी करनी ये क्वेश्चन चार नंबर में आएगा और ये भी बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट ये क्वेश्चन आता है छह या सात नंबर में और उसको भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिफाइन पूछ लेंगे या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि राइट शोर्ट नोट ऑन ले कॉन्ट्रैक्शन पूछ सकते हैं या फिर टाइम डाइलेशन पूछ सकते हैं ये आते ही आते हैं और यही आते हैं कि तो इन दोनों को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिव मास एनर्जी रिलेशनशिप ये भी बार बार पूछा जाता है ठीक है दो या तीन नंबर में पूछा जाएगा और आसान सा टॉपिक है अच्छे से करके जाना इसके साथ साथ न्यूमेरिकल तो मैंने दिया कि तीनों के तीनों सेक्शंस में आएंगे ही तो जो जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सारे के सारे पढ़ लेना जिससे आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और अगर जिस स्टूडेंट को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो ऊपर के मेरे बताए हुए हर एक यूनिट में से तीन या चार क्वेश्चन कर लेना जिनसे वो अच्छे से पास हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना थैंक यू